गर्मियों में डिहाइड्रेशन एक सबसे बड़ी समस्या होती है। पानी की कमी की वजह से आपकी बॉडी में कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आपका हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। असल में दिक्कत तब होती है जब लोगों को मालूम ही नहीं चलता कि कब वो डिहाइड्रेट हो रहे हैं और कैसे वो इसे सुधारे। बॉडी हाइड्रेट है या नहीं, इसे जांचने के लिए आज हम आपको एक आसान सा तरीका बताएंगे। बता दें कि जिसकी मदद से आप घर बैठे डिहाइड्रेशन टेस्ट करके मालूम कर सकते हैं कि आपके शरीर में पानी की ज़रूरत है या फिर नहीं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे ये टेस्ट करना है। सबसे पहले उंगलियों के नकल्स यानी कि उंगलियों के जोड़ों की स्किन को पिंच कर उठाएं। अगर वो एकदम से नीचे चली जाती हैं तो शरीर डिहाइड्रेट नहीं है। अगर ये नीचे जाने में थोड़ा समय लेती हैं तो आपका शरीर डिहाइड्रेट है। ये टेस्ट आप नॉर्मल स्किन पर भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छे नतीजे नकल्स की स्किन पर ही होते हैं। डिहाइड्रेशन दूर करने के लिए आपको पानी कैसे पीना है? डिहाइड्रेशन दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है आप धीरे धीरे सिप सिप कर पानी पिए। एकदम से प्यास लगने पर पूरा एक गिलास पानी पी जाना हमें अच्छा तो लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये डिहाइड्रेशन पर कोई खास असर नहीं करता। आपको इसके लिए ठीक तरह से पानी पीना होगा। अगर आप पूरे दिन में आप थोड़ी थोड़ी देर में सिप सिप कर पानी पीते हैं तो शरीर ज़्यादा बेहतर तरीके से हाइड्रेट रहेगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।